हाय एवरीवन, तो इस वीडियो के साथ दो अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ जो बोर्ड वाले बच्चे ना उनके लिए स्पेशली हो रही है ना ये वीडियो। तो अभी तुम्हें पता है 2 महीने ही बचे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, नीतीश सर को बुला ही लेते हैं पहले यार। तो मैं मैथ्स आज पूरा मैथ्स का कंटेंट मैथ्स के सर से ही पूरा बताएंगे। सर बता दो जरा, थोड़ा थोड़ा आप बता दो, 2 महीने आने वाले हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, सारी बातें सुन लो सर ये से, है ना। सर लो ये माइक ले लो। बहुत सालों से लोग रो रहे होते हैं कि हाँ सर बस बोलते हो कराते नहीं हो, तो इस बार हम करेंगे, इस बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इवन वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम आधा काम कर चुके हैं। अच्छा, मैंने तो सिलेबस कंप्लीट भी करा दिया लगभग, है ना। हाँ। देखो भी चैनल पे पूरा डाला हुआ है, तुम पूरी प्लेलिस्ट खोल सकते हो, ठीक है। इवन अब जो 2 महीने के लिए मैं यहां, हम तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताने वाले कि तुम्हारे लिए हम सिलेबस भी कराएंगे वापस वन शॉट। सर मैंने रिवील कर दिया, ठीक है। साथ साथ में तुम्हें ये बताएंगे तुम्हें कब सैंपल पेपर करना चाहिए। और यहाँ अच्छी बात ये होगी कि तुम्हें जो भी कंटेंट मिलेगा, लाइक जो भी तुम्हें लेक्चर्स हम देंगे, ठीक है, इस लेक्चर का प्रॉपर पीडीएफ भी मिल जाएगा साथ ही साथ, ताकि तुम ऑलरेडी उस जो भी वीडियो को देखने जा रहे हो उसके पहले तुम्हारे पास उसका पीडीएफ पता होना चाहिए। एंड इवन अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो इसके लिए हम सैम्पल पेपर्स वगैरह तो करेंगे ही करेंगे। बाकी रिस्पॉन्स एंड ऑल की बात तो चलो थोड़ा मतलब मसाला डालने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स का पोर्शन चल ही रहा है, केमिस्ट्री के लिए भी हम किसको लेके आने वाले होंगे तुम सबको समझ आ ही गया होगा। और ये कंप्लीट वन शॉट होगा। मतलब मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भैया इन सब में ज़्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। स्कूल वाले टीचर तो हम हैं नहीं कि हाँ भैया जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं। मजे में चिल करेंगे और चिल मोड में इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि तुम देखोगे पेपर और तुमसे सवाल हो जाएंगे। जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं या फिर सर से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उन्हें चीज़ों के बारे में पता है, बाकी अब सर बताएं। अच्छा, बात ये वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि तुम बैठे और हम लगातार 9-10 घंटे तक क्लास लिए जा रहे हैं। भाई हमें कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, पहली बात तो ना ही मुझे कोई रिकॉर्ड बनाना। रियलिटी ये कि हमारा दिमाग 1.5 घंटे से ज़्यादा सेचुरेटेड हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते चीज़ें। अब मतलब मैं 10 घंटे की एक वीडियो बना के बैठा हूँ, पढ़े जा रहे हैं, कौन पढ़ता है 10 घंटे तक, कौन सा बच्चा पढ़ता लगातार, मुझे पता 9-10 में बैठ के। ये रियलिटी है। अब तुम्हें सुनने में बुरा लगा सर कैसी बात करते हैं, सर वो टीचर तो 10 घंटे लगातार पढ़ा देते, 10 बजे कहानी सुना रहे होते। मान लिया 10 घंटे, भाई वो जरूरत तब पड़ती जब तुम्हारे जेई नीट का IIT का पेपर अगले दिन देने जा रहे, तो लास्ट 10 घंटे रिविजन कर रहे हैं। 10 घंटे लगातार बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं लगातार सब कुछ पढ़ा दूँ, नहीं। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन का गैप लेंगे, तुम खुद भी रिवाइज करो, ठीक है। आउटपुट तभी देखो, क्वालिटी से आउटपुट आता है ना कि क्वांटिटी से। जबरदस्ती में तुम्हें भर भर के बहुत सारी चीज़ें बता दूँ, नहीं, उससे नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, वन शॉट वीडियोज तुम्हारी, क्योंकि मैथ्स अभी के टाइम पर सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स है। जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी उनकी प्रॉब्लम SST है, उसके लिए भी तो मैं रिकमेंड करूँगा, अच्छी चीज़ है ना। और कुछ बच्चे हिंदी इंग्लिश को भी लेके आते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा क्या करना है। आज की वीडियो में स्पेशली मैं ये बताने वाला हूँ कि 2 महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे, यानी मैथ्स कंप्लीट करेंगे, फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, केमिस्ट्री, तो किस तरह से करेंगे, कौन से सैंपल पेपर्स लेने चाहिए। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडुकार्ड का सैंपल पेपर सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, उसका रीजन क्या है, उसमें तुम्हें टॉपर्स के वो भी मिल जाते हैं सॉल्यूशन वगैरह, ठीक है, हैंड रिटन तुम्हें किस तरह से लिखना है। लेकिन मैथ्स का जो सबसे बड़ा पंगा है, मैथ्स में 100 नंबर टारगेट करो, मैं तो ये बोलता हूँ। जिस बच्चे ने अभी NCERT कर ली सर, वो 100 नंबर टारगेट कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है ना, आराम से हो जाने वाली। आईडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर क्वेश्चन करा देंगे, और इस तरीके से इंटीग्रेटेड तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मतलब जो भी चीजें लाइक टफ से टफ क्वेश्चन हो या फिर आसान टफ वैसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन वगैरह होते नहीं है बोर्ड्स में, मतलब ऐसे मैं मजे नहीं ले रहा, क्योंकि जो बच्चे स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए उनके लिए तो टफ होगा ही, बट हम लेक्चर को इस तरीके से इंटीग्रेट करके करेंगे कि क्लास में जो मैं पढ़ा दूंगा जो वीडियोज, अगर उसको तुम 2 या 3 बार कर लोगे, थोड़ा मतलब फास्ट पेस्ड होंगे क्योंकि कंटेंट ज्यादा होगा, और वन शॉट के अंदर एक बार में खत्म करेंगे, तो उसको तुम उसको 2 बार कर लो, और उसके बाद तुम क्या करो PYQs वगैरह इंटीग्रेट कर दोगे, काम खत्म हो जाएगा। वो काम भी हम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, डेट दे देते हैं कि एग्जैक्ट डेट कब से स्टार्ट करेंगे। वो तो आप ही बताओ भैया। मैं सोच रहा हूं 26 दिसंबर से मैथ्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। 26, देखो 25 को दिसंबर को क्रिसमस है, और क्रिसमस से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर मैं पार्टी करेंगे, मैं क्या तुम लोगों को करनी, घर वालों के साथ बैठ के, ये वाली पार्टी है ना। तो पार्टी करते करते हो सकता है तुम थक जाओ अगले दिन, 26 की शाम से हम सोच रहे हैं सर स्टार्ट कर दें, 26 शाम रात को, है ना। बिल्कुल, हमारे पास उतना डन बन चुका है। 26 दिसंबर की शाम आपके नाम, ठीक है, सही है। और उसके बाद 26 दिसंबर से मैं टारगेट, देखो मैं पहले सोच रहा था कि सर हम 15 चैप्टर मैथ्स के हम लोग सोच रहे थे 15 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा 15 दिन में खत्म करने का फायदा क्या, खत्म थोड़ी ना करना है, सिलेबस समझना है, और इनको भी तो टाइम चाहिए करने के लिए। 15 दिन मतलब इस तरह से लो कि एक दिन हमने एक चैप्टर पढ़ाया, अगले दिन तुम उसे खुद रिवाइज करो। हमने पहले दिन उसे पढ़ाया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, अगले दिन तुम बैठ के वो करो। हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है ना, तुम्हें सिर्फ इकलौता मैथ्स थोड़ी ना। तो 15 दिन की जगह 15 से 30 कर दो, हर चैप्टर को 2 दिन, 30 दिन हो गए। तो 26 दिसंबर से 26 जनवरी,
तो इससे तुम्हारा एक महीने का पूरा टारगेट फिक्स हो गया। अब तुमने इस बीच में मैथ्स कंप्लीट हो गई, ऐसी फिजिक्स करोगे, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसी बायो, इसी तरह अपने सारे सब्जेक्ट्स करोगे। और बाकी हम हर दो वीक पे लाइव आएंगे ही ताकि इन्हें पता चल सके, हाँ। इनकी जो भी दिक्कत दुख तकलीफ है वो प्रॉपर ये बात कर सकेंगे और लाइव क्लास में हम निवारण कर देंगे कुछ चीजें। कुछ क्लासेस लाइव रखेंगे इनमें से जो तुम बोलोगे, ठीक है, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड होंगी। वो होता नहीं है शिकायत पेटी लगा देते हैं बाहर, तो वही वाली चीज हम करेंगे लाइव क्लास, बिल्कुल, ताकि वो चीज इंप्लीमेंट कर सके और चीजों को। और 26 जनवरी के बाद तुम्हें क्या करना है, सैंपल पेपर हम क्लास में सॉल्व कराएंगे, कंप्लीट साइंस मैथ्स के सैंपल पेपर क्लास में सॉल्व कराएंगे, जिससे कि तुम्हारी बची दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सैंपल पेपर अभी मत लगाना, होता क्या है अभी मार्केट में पूरी हवा उड़ी हुई है सैंपल पेपर लगाओ सैंपल पेपर लगाओ। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चों का अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं सर है ना, तो वो सैंपल पेपर लगाने लगाने की जरूरत अभी दिमाग पहले नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी कुछ चीजें नहीं आती, मोटिवेशन खत्म, पढ़ने का मन नहीं करता। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुझे लगता है सबके साथ। सैंपल पेपर तब लगाओ जब जब सिलेबस कंप्लीट हो, रिविजन कर चुके हो इस तरह से, ठीक है। तो सर अपनी कुछ ज्ञान का न्यूछावर कर दो थोड़ी सी, मैंने अपना कंप्लीट कर दिया सब निकाल दिया। देखो भैया, सबसे पहली बात, अगर तुम्हें टॉपर बनना है, बोर्ड्स में टॉपर बनना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट के 2 महीने मोर देन सफिशियंट है तुम्हारे को पढ़ने के लिए। तो एक सही टाइम है, इस टाइम पे अगर तुम ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि होता क्या मैंने देखा है बहुत सारे टाइम में, इवन जो IAQM की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों को भी कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, जैसे स्टैट्स वगैरह हो गया, उन लोगों को इवन बोर्ड्स के लिए मैंने अलग से स्टैट्स के वन शॉट बनवाए हैं। तो तुम लोग तो खैर, मतलब खास करके जो जनता है, जो नॉर्मल NTC वाली जनता है या बोर्ड्स वाली जनता है, उनको ज़रूरत है। तो हर चैप्टर का वन शॉट हम लेके आ रहे हैं और उसको उसके PDF साथ में इंटीग्रेट होंगे, मतलब तुम्हारे पास PDF होगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मन हो तो उसका प्रिंटआउट लेके रखो और वीडियो के साथ में पढ़ लो, निपटा लो। बस ये ध्यान रखना कि क्लास में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं या फिर जहां इम्फेसिस किया जा रहा है कि भैया ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम रगड़ के फेंक दो, मतलब खत्म, बस निपटा देना है। और बाकी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो तुम सीधे सीधे हमारे से बात करोगे, शिकायत पेटी में अपनी शिकायत डाल देना, हमारे तक पहुंच जाएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैं सर से थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि सर देखो वीडियो तो बनानी है, पर वीडियो को सिर्फ मोटिवेशन नहीं रखनी, क्योंकि मोटिवेशन से नंबर नहीं आते। जैसे कि अगर तुम किसी से बोल दो ना कि जा तेरा पेट भर गया, उसके पेट में रोटी थोड़ी ना चली जाएगी, मोटिवेशन से नंबर नहीं आते। रियलिटी में प्रैक्टिकल दुनिया ये है कि बैठ के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बैठ के हम लोगों को तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हजारों चैनल मिल जाएंगे जिनमें तुम्हें मोटिवेशन, भयंकर टाइम टेबल, टॉपर टाइम टेबल, फाड़ू टाइम टेबल, जो भी पता नहीं कितने टाइम टेबल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होंगी। टाइम टेबल मैं भी बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन मैंने टाइम टेबल स्ट्रेटेजी बताना तब स्टार्ट किया जब मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा दी इस चैनल के ऊपर। तुम देख सकते हो सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी, सारी सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं मैं, ठीक है। तो वही है कि मोटिवेशन तो चाहिए होती, नो डाउट मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। तो जो लोग मोटिवेशन दे रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उस मोटिवेशन के साथ साथ, समझ रहे हो, चटनी, अकेले चटनी खा के कुछ नहीं होगा, चटनी के साथ कुछ रोटी सब्जी कुछ तो चाहिए भैया, ठीक। तो वो रोटी सब्जी भी हम लेके आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू, एनीथिंग, एंजॉय, चलो।